हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी एथलीट्स। ये है रोड टू 130 केजी बैक स्क्वाट का एपिसोड नंबर 5। तो ये मेरे स्ट्रेंथ फेज के थर्ड वीक का फर्स्ट लोअर बॉडी सेशन है। अच्छा, बाय द वे, मैं इस फेज को स्ट्रेंथ फेज कह तो रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली स्ट्रेंथ फेज नहीं है। इट्स मोर लाइक ए स्ट्रेंथ हाइपरट्रॉफी फेज, जिसके अंदर मेरा वॉल्यूम अभी भी रिलेटिवली हाई है। देखो, हम जैसे जैसे फेज बाई फेज आगे बढ़ते रहते हैं, हमें वॉल्यूम घटाते रहना होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी को हमें बढ़ाते रहना होता है। तो मैं यही कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा स्क्वाट्स के अंदर इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मैं अपना इधर उधर का वॉल्यूम धीरे धीरे काट रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिछले फेज में मेरा ट्यूजडे का थर्ड एक्सरसाइज हुआ करता था लंजेस, ठीक है, और लंजेस का मैं 3 सेट्स किया करता था। इस फेज के अंदर मैंने अपने थर्ड एक्सरसाइज को चेंज किया, लंजेस को मैंने हैक स्क्वाट से रिप्लेस किया, लेकिन मैं अब हैक स्क्वाट्स के 2 सेट्स लगाता हूँ। सिमिलरली, नेक्स्ट वीक से मैं अपने फ्रंट स्क्वाट्स के वॉल्यूम को भी नीचे लेके आ जाऊंगा। करेंटली मैं 3 सेट्स कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं 2 सेट्स लगाऊंगा। द आइडिया इज मुझे वॉल्यूम को बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे लेके आना है, और इंटेंसिटी को भी एवरी सिंगल एक्सरसाइज में बढ़ाते रहना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज के गोल्स के बारे में। देखो, लास्ट वीक मैंने 105 kgs को 4 सेट्स के लिए परफॉर्म किया फॉर 6 reps ईच, और ये बहुत इजी आया था। मैं लिटरली बहुत सेटिस्फाइड था। लास्ट वीक मैंने व्लॉग नहीं डाला, लेकिन आपको मेरे सेट का वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो बेसिकली अब तक मेरा प्रोग्रेस काफी अच्छा जा रहा है। मैं एवरी वीक 2.5 kg से लोड इंक्रीज करता हूँ, तो आज का मेरा गोल है 107.5 kg से 6 reps लगाना फॉर 4 sets। मुझे इसी तरह 2.5 kg इंक्रीज करते करते 115 तक पहुँचना है। सो हाफ वे इंटू द स्ट्रेंथ फेज, यहाँ से भाई जर्नी बहुत सीरियस होने वाला है। हम ऑफिशियली सीरियस टेरिटरी के अंदर एंटर करने वाले हैं। ऐसा वेट इतने सारे रेप्स के लिए मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया, और मुझे इसे इजी बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं 107 से 6 रेप्स 4 सेट्स कंप्लीट करूं और वो टफ लगे, क्योंकि मुझे 115 तक पहुंचना है ना, तो इट हैज टू बी इजी। एक्सर्शन ज्यादा हाई नहीं हो सकता। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होने वाला है। आज के सेशन को लेके मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि आज के सेशन को अगर मैं इजीली खत्म कर पाऊँ तो ये मेरे लिए 110 गारंटी करने वाला है, और उसके बाद एमरेप से पहले सिर्फ 112.5 बचता है, जिसको मैं जैसे तैसे निकाल ही दूंगा, अगर मेरा 110 अच्छे से निकलता है तो। तो आज का सेशन इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का सेशन एक बहुत लंबा सेशन भी होने वाला है, क्योंकि आज हम 4 लोग एक साथ स्क्वाट्स लगाने वाले हैं, मैं, अरुणव, नवांकुर और अभिषेक। दोस्तों, ये जिम का जो वाइब है ना, ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और बहुत ही अलग टाइप का वाइब है। जब आप अपने भाइयों के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, ऐसे टारगेट्स को अचीव करते हैं जो कि देखने में लिटरली इम्पॉसिबल लगते हैं, और वो दिल से आपके अचीवमेंट्स को आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मोमेंट्स हमेशा के लिए मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैं इन व्लॉग्स को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये दिन हमेशा याद रहे। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यूजुअल इस गांडू अरुणव ने हमेशा की तरह बार के ऊपर गलत वेट्स लगा दिया है। मुझे कभी कभी डाउट लगता है कि ये अंदर ही अंदर मुझे मारने का प्लान कर रहा है। ऐसा एवरी वीक कौन करता है भाई, एवरी सिंगल वीक। आप मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे, जितने भी मैंने व्लॉग्स डाले हैं, हर व्लॉग में ऐसा एक सीन होता ही होता है, जिसमें मैं वेट्स को, गलत वेट्स को हटा के सही वेट्स लगा रहा हूँ। तो फाइनली टाइम आ गया, ये मेरा फर्स्ट सेट है, 107.5 kgs, 6 reps, लेट्स गो। तो जैसे कि आपने देखा, सेट रिलेटिवली इजी था, मुझे अच्छा लगा ये सेट करके। शायद देखने में थोड़ा ज्यादा ही इजी लगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये आरपी 7 या 6.5 था। मेरे हिसाब से एटलीस्ट मेरे अंदर 3 reps और थे,
तो एक बढ़िया सा स्टार्ट मुझे मिल गया। पहला सेट हमेशा सबसे क्रूशियल सेट होता है, लेकिन मुझे तीन और सेट्स के लिए इसे परफॉर्म करना है। अच्छा, ये नबंकुर का सेट आप देख सकते हैं, आज जिम के अंदर बहुत सारे PRs टूटे। ये नबंकुर का एक वॉल्यूम PR था, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसका हाइपरट्रॉफी फेज चल रहा है और 90 kg से इसने 8 रेप्स लगाए एट 61-62 kg बॉडी वेट। टू बी ऑनेस्ट, स्क्वाट इसका वीकेस्ट लिफ्ट है, लेकिन डेडलिफ्ट में ये बहुत खतरनाक प्रोग्रेस कर रहा है, और बेंच तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट लिफ्ट है ही है। तो मैं रेडी हो रहा हूँ मेरे सेकेंड सेट के लिए। दोस्तों, स्क्वाट मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइज मुझे सबसे ज़्यादा इंटिमिडेट करता है। देखो, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, अगर मैं लिफ्ट को फेल करता हूँ तो बार सीधा वो सेफ्टी पिंस के ऊपर गिरने वाला है, तो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगने वाला है या कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा। अगर मैं इसे बेंच प्रेस के साथ कंपेयर करूँ और बेंच प्रेस में अगर मैं फेल करता हूँ कोई लिफ्ट, तो वेट सीधा मेरे चेस्ट के ऊपर गिरने वाला है। और ऑब्वियसली स्क्वाट डेडलिफ्ट जितना हैवी भी नहीं होता, मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम को डेडलिफ्ट जितना फटीग भी नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी ये लिफ्ट अच्छे अच्छों को इंटिमिडेट करता है, स्पेशली हाई रिपीटेशंस के समय। तो अगर आपने खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है तो स्क्वाट्स करो भाई, स्क्वाट्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं आता। आप चाहे जितना मर्जी स्क्वाट्स को प्रैक्टिस कर लो, ये एक्सरसाइज आपको मेंटली चैलेंज करेगा ही करेगा। तो बेसिकली ये एक चीट कोड है खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने का। अच्छा, मैं अभी आपको अरुणव का सेट दिखा रहा हूँ, यह उसका थर्ड सेट है, ठीक है। उसे 104 kg से 6 रेप्स लगाना था। इसके बाद मैं आपको इसी एंगल से मेरा सेट दिखाऊंगा। दरअसल मुझे उसके टेक्निक में हल्का सा गड़बड़ नजर आया और मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से नोटिस कीजिए, ऊपर आते समय वो थोड़ा ज्यादा ही फॉरवर्ड लीन हो रहा है। बॉटम पोजिशन से वो अपने ग्लूट्स के साथ ड्राइव तो कर रहा है, विच इज फाइन, ये तो करना ही करना है, लेकिन आपको अपने टॉर्सो के एंगल को ज्यादा चेंज नहीं होने देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रेप में वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लीन हो गया था, और आने वाले रेप में वो और भी ज्यादा फॉरवर्ड लीन होने वाला है, जिससे कि उसका लोअर बैक बहुत ज्यादा लोड लेने वाला है। देखो, अरुणव एक ऐसा बंदा है जिसका लोअर बॉडी का लेंथ अपर बॉडी के लेंथ से थोड़ा ज्यादा है। देखो, आपका जो रेशियो है अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लेंथ का जो रेशियो है, आप बेसिकली आपका जो बॉडी का एनाटॉमी है वो डिटरमाइन करने वाला है कि आप स्क्वाट्स के टाइम कितना ज्यादा लीन फॉरवर्ड होने वाले हो। जिसका लोअर बॉडी लंबा होगा अपर बॉडी के कंपैरिजन में, वो ज्यादा लीन फॉरवर्ड होगा, ताकि वो बार को अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर रख पाए। लेकिन लीन फॉरवर्ड होने से भी आपको ये ध्यान में रखना है कि स्क्वाट्स लगाते समय आपका टॉर्सो का एंगल जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज इज एक्सेप्टेबल, स्पेशली अगर आप फेलियर के बहुत करीब है। तो आप देख सकते हैं, ऊपर आते वक्त मेरा टॉर्सो का एंगल बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये बात भी नोट करना है कि कुछ लोग नेचुरली ज्यादा लीन फॉरवर्ड हो सकते हैं अपने एनाटॉमी के हिसाब से। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मूवमेंट को करते समय, ड्यूरिंग द मूवमेंट, आपको अपने टॉर्सो का एंगल ज्यादा चेंज नहीं करना है। तो ये मेरा लास्ट सेट है, अब तक के मेरे तीनों सेट्स काफी अच्छे गए हैं, अब बस इस लास्ट सेट को मुझे उड़ाना है। तो चलिए देखते हैं सेट कैसा जाता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मैं जब नीचे आता हूँ मेरे शू का जो हील वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसका रीजन ये है कि ये शूज साइज में थोड़े बड़े हैं मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा हील ऊपर आ रहा है, लेकिन शू साइज में बड़ा होने के वजह से जब उसके आगे वाले पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है, उसका पीछे वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर फॉर्म खराब हो जाता है, मेरा बॉडी वेट आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, और तब मेरा हील थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर उठ जाता है। लेकिन वो शू का गलती नहीं है, वो मेरा गलती है। जब मैं गड़बड़ करता हूँ तब ऐसा होता है। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा स्क्वाट्स। बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं आज के स्क्वाट्स के साथ। लास्ट सेट भी RPE 8-8.5 पे आया था, मजा आ गया। अगला एक्सरसाइज है हाई हैंडल ट्रैप बार डेडलिफ्ट, जिसका मैं अभी एक सिंगल लेने वाला हूँ 136.5 kg के साथ। मैं जितना ज्यादा इस ट्रैप बार को यूज कर रहा हूँ, मेरा प्यार इसके लिए और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको अरुणव का सिंगल दिखाता हूँ। आपने याद रखना है, उसने भी स्क्वाट्स के 24 रेप्स किए हैं, और उसका डिफिकल्टी मेरे स्क्वाट्स के डिफिकल्टी से बहुत ज्यादा था। उसके स्क्वाट्स का लास्ट सेट RP 9-9.5 पे आया था,
और ये उसका डेडलिफ्ट का सिंगल है फटीक स्टेट में 153 केजीज के साथ। इजी। उसके हिसाब से ये RP-8 था, मेरे हिसाब से भी RP-8 ही था। तो क्या ख्याल है आपका? मेरे हिसाब से वी आर विटनेसिंग द क्रिएशन ऑफ ए 180 केजी डेडलिफ्ट। ऑब्वियसली 180 केजी थोड़ा दूर का टारगेट लगता है, लेकिन वो सच में डेडलिफ्ट में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। उसका प्रीवियस PR 160 केजी था, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है अगर वो 180 केजी को अचीव कर पाया तो। मेरे हिसाब से ये होने वाला है। उसके डेडलिफ्ट के वीडियोस भी हम एपिसोड वाइज बहुत जल्दी डालने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो सिंगल लेने के बाद मैं बैक ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 120 केजीज के साथ 5 रेप्स फॉर 3 सेट्स। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब सुमो डेडलिफ्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरा मेन डेडलिफ्ट है, मैं अपने स्ट्रेंथ को बहुत इजीली मेंटेन भी कर लूँगा और मैं भी अपने प्रीवियस स्ट्रेंथ को एक्सीड भी कर जाऊँगा। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाने वाला है ट्रैप बार डेडलिफ्ट को। तो मैंने इसके 3 बैकअप सेट्स लिए और मेरा अगला एक्सरसाइज है हैक स्क्वाट्स, जिसके बारे में बात करने का तो कुछ है नहीं। इसको मैं ऐड करता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करने के लिए। मैं इसको हाई रेप्स के लिए ही परफॉर्म करता हूँ, 12 रेप्स के लिए मैं 2 सेट्स लगाता हूँ। तो मैंने अपना आज का वर्कआउट तो सर्वाइव कर लिया है और नेक्स्ट डे मुझे 110 केजीज लेना है। तो दिमाग के अंदर 110 आज ही से घूमना स्टार्ट हो गया। आई थिंक 110 सच में चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 सेट्स लग जाना चाहिए। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हम लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं ताकि थोड़ा कार्डियो भी होता रहे। ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम नहीं खेलते हैं, 20-30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ हम लोग खेलते हैं। चाहे आपका कुछ भी गोल हो, मेरे हिसाब से आपको वीकली 2-3 डेज के लिए कार्डियो को इंक्लूड करना ही चाहिए। इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ कार्डियो, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैग के अंदर क्या क्या आता है। ये है 1.5 केजी का एंकल वेट, ऐसे मैं 2 एंकल वेट्स लाता हूँ। इन वेट्स को मैं रनिंग के लिए यूज़ करता था, अभी मैं इनको जिम में वेट्स की तरह यूज़ करता हूँ। ये हो गया रेजिस्टेंस बैंड और ये है लिक्विड चॉक। और सबसे यूनिक चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये है कुछ हैवी बॉल्स, जिसके पीछे का कहानी मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बस ये समझना है कि एक पॉलीथीन के अंदर 500 ग्राम्स का वेट है। ऐसे छोटे छोटे वेट्स को यूज़ करके हम एक या आधा किलो का प्रोग्रेशन भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एक या आधा किलो का प्लेट ज़्यादातर जिम्स में नहीं होता, तो बेसिकली देसी जुगाड़ है। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है आज का वीडियो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और याद रखिए, कीप ट्रेनिंग लाइक ए सुपर सैयन।